हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एडवर्ब। लगभग आधा एडवर्ब तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब रिमेनिंग देखते हैं। तो एडवर्ब क्या था? जो वर्ब और अदर पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करे उसे कहते हैं एडवर्ब। कभी कभी एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाइड करता है, जैसे फॉर्चुनेटली, लकीली, इवेंचुअली और फाइनली। ये कुछ ऐसा कीवर्ड है, ऐसे वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाइड करते हैं। तो ये होता है एडवर्ब। इसमें हमने वेरी, टू वेरी, मच के टाइप पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 3, अगो और बिफोर। इसमें क्या डिफरेंस होता है? अगो और बिफोर यहाँ पे यूज एज अ एडवर्ब हो रहा है। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तब हम यूज करेंगे अगो, और पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तब हम करेंगे बिफोर। इसमें हमेशा आपको वी टू ही दिखेगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे ये पास्ट ऑफ पास्ट का सेंटेंस रहेगा, तो यहाँ पे हमेशा हैड प्लस वी थ्री दिखाई देगा बिफोर में। मीन्स अगो में अगर सेंटेंस है तो पास्ट टेंस का सेंटेंस रहेगा, और अगर बिफोर यूज किया है तो पास्ट टेंस के पहले का, मीन्स पास्ट टेंस के पास्ट की बात हम कर रहे होंगे, जहाँ पे हैड प्लस वी थ्री का यूज हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रैक्टिस Practice of Sati was legal ago 1997. बताइए यहाँ पे, बाकी तो राइट है, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज राइट है यहाँ तक। क्या है लीगल? 1997 है तो अगो है यहाँ पे। क्या चाहिए, अगो चाहिए कि बिफोर चाहिए? देखिए एरर कौन से पार्ट में, देखिए 1997 की बात है और पास्ट ऑफ पास्ट की बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बिफोर। क्वेश्चन नंबर 2, आई सॉ 5 ईयर्स अगो। देखिए वी टू है, आई सॉ है वी टू, और यहाँ पे 5 ईयर्स अगो है, तो अगो राइट है ना? बिल्कुल राइट है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो गए क्योंकि आई सॉ हर 5 ईयर्स अगो। पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है 5 ईयर्स। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित वेट, जो एग्जैक्ट टाइम बताता है, और पीरियड ऑफ टाइम जिसमें बोलेंगे कि 5 साल से, 3 साल से, 5 साल 2 महीने भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैड सीन हर 5 ईयर्स अगो। अच्छा अब बताइए ये सेंटेंस राइट है क्या? ऊपर जैसे ऊपर का सेंटेंस है वैसे ही ये भी सेंटेंस है, तो बताइए यहाँ पे अगो राइट है क्या? देखिए यहाँ पे वी टू था, यहाँ पे क्या है? हैड प्लस वी थ्री है, हैड सीन। और इस सेंटेंस अगर पढ़ते आई हैड सीन हर 5 ईयर्स अगो, कैसे पढ़ने में अटपटा लगता है। अगो यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए बिफोर, क्योंकि हैड प्लस वी थ्री भी है। और अब पढ़िए सेंटेंस को, आई हैड सीन हर 5 ईयर्स बिफोर, अब पढ़ने में राइट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आई सॉ हर 5 ईयर्स बिफोर। देखिए ऊपर का जो मैंने क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन है, अब मैंने राइट क्वेश्चन चूज किया है, और आपको यहाँ पे एरर ढूंढना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो राइट है, मीन्स ये बिफोर को चेंज करना है, ऐसे सोचोगे आप। आई सॉ हर 5 ईयर्स अगो, सोचोगे यहाँ पे एरर है, यहाँ बिफोर काट के अगो लिखते हैं, लेकिन नहीं, ये कीवर्ड है तो ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे चेंजेस हो गए, यहाँ पे आएगा आई हैड सीन हर
5 years बिफोर. अच्छा टाइप फोर पढ़ते लेट और लेटली. इजी है ये टाइप. क्या होता है लेट मीन्स लेट हुए, पहुंचने में देरी हुई. और लेटली ये एक निगेटिव सेंटेंस है. लेटली निगेटिव सेंटेंस दर्शाता है. इसमें हमेशा आपको हैव हैज प्लस नॉट प्लस v3 दिखेगा. मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका ज्यादा यूज होगा. तो हैव हैज प्लस v3 तो है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस इसलिए यहाँ पे आपको नॉट भी मिलेगा. लेटली का अगर हिंदी में देखे मीनिंग तो होता है अब तक. मीन्स वो अब तक तो निगेटिव मीनिंग है. क्वेश्चन देखिए, सारिका हैज नॉट मेट मी. बताइए यहाँ पे क्या आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है. सारिका हैज नॉट मेट मी है, हैज नॉट भी है, वी थ्री भी है. यहाँ पे आएगा लेटली. क्वेश्चन नंबर टू, द राजधानी एक्सप्रेस केम लेटली बाय 2 hours. बताइए यहाँ पे है राजधानी एक्सप्रेस केम लेटली, राइट है क्या ये? नहीं, यहाँ पे चाहिए लेट बाय 2 hours. क्वेश्चन नंबर 3, शी डिड नॉट कम हियर लेटली. शी डिड नॉट कम हियर लेटली. क्या देखा था हमने, लेटली में क्या चाहिए? सिर्फ हैव हैज नॉट प्लस वी थ्री. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है. लेकिन देखिए यहाँ पे डिड नॉट यूज किया है. मीन्स यहाँ पे एरर है. लेटली के साथ आया है मीन्स डिड तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस हुआ. तो यहाँ पे क्या आएगा, शी हैज नॉट कम, और वी थ्री चाहिए तो कम है, वी थ्री है हियर लेटली. अब देखते हैं टाइप नंबर 5. जिसमें हम देखेंगे रैदर और फेयरली, इसमें क्या डिफरेंस होता है. बहुत छोटे छोटे वर्ड है दिखने में तो, लेकिन पेपर में आते हैं हमेशा ऐसे कीवर्ड. रैदर जब भी दिखेगा आपको तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव रहेगा इसके साथ. मीन्स नेगेटिव सेंटेंस या फिर दुख भरी बात जिससे आपको खुशी नहीं होगी, अनप्लीजेंट रहेगा. और अगर फेयरली आएगा तो प्लीजेंट एडजेक्टिव रहेगा. मीन्स ये क्या अच्छे गुण बताएगा. फेयरली अच्छे गुणों के साथ आएगा, मीन्स हमारे फेवर में रहेगा. और ये अपोजिट रहेगा जो निगेटिव सेंटेंस या बुरे गुण बताएगा. क्वेश्चन देखते हैं, गोलू इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर क्लास. क्या क्या गोलू इज, क्या लिखोगे फिर, रैदर या फेयरली? ऑप्शन में आपको रैदर फेयरली ऐसे ऑप्शन मिलेंगे. तो यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर क्लास. इसकी तारीफ हो रही है गोलू की. मीन्स प्लीजेंट एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, फेयरली. क्वेश्चन नंबर 2, द नॉवेल वॉज बोरिंग. क्या आएगा, बोरिंग बता रहा है. मीन्स नेगेटिव अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है तो यहाँ पे आएगा रैदर. ऑप्शन में मिलेगा आपको रैदर फेयरली. तो समझा इतना. ये छोटे छोटे सेंटेंस है, लेकिन इसे आप बड़े सेंटेंस बना सकते हो. और यही रूल आपको यूज हो गए
बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। तो क्या है, टाइप नंबर 6 है मच टू और टू मच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी मच टू आएगा तो ये एडजेक्टिव के साथ आता है और टू मच आएगा तो ये नाउन के साथ आता है। हमेशा याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। हम ज़्यादातर टू मच ही बोलते हैं, मच टू बोलते ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये रूल है। लैंग्वेज है इंग्लिश तो हम टूटी फूटी कैसे भी बोलते हैं। दिस रूम इज स्मॉल फॉर माई फैमिली। अब बताइए, दिस रूम इज स्मॉल, क्या है स्मॉल? स्मॉल एक एडजेक्टिव है एडजेक्टिव रूम की तारीफ कर रहा है, रूम के बारे में कुछ बता रहा है, तो स्मॉल एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? मच टू। हम क्या बोलते हैं डेली इंग्लिश में? दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर माई फैमिली, लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग है। राइट आंसर है मच टू, दिस रूम इज मच टू स्मॉल फॉर माई फैमिली। क्वेश्चन नंबर टू, शी इज इन ट्रबल नाउ, शी इज इन ट्रबल नाउ, क्या आएगा? टू मच आएगा कि मच टू आएगा? ट्रबल क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे आएगा टू मच। ट्रबल सम एडजेक्टिव है लेकिन ट्रबल नाउन है। टाइप नंबर 7, स्टील और 8। देखिए स्टील और 8 में क्या डिफरेंस है? जब स्टील एज अ कंजंक्शन यूज होता है, स्टील और 8 एक कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है, ध्यान में रखना। दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं, स्टील और 8 क्या है, दोनों एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। तो जब भी कंजंक्शन स्टील और 8 एज अ कंजंक्शन यूज हो गए तब उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, दोनों भी यूज, कोई भी यूज कर सकते हो आप दोनों में से, मीन्स दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन अगर स्टील और 8 एज अ एडवर्ब यूज होता है तो इसमें डिफरेंस आएगा। स्टील पॉजिटिव के लिए यूज होगा, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और 8 निगेटिव सेंटेंस के लिए। अभी तक बोलते हैं तो निगेटिव सेंटेंस के लिए होगा 8, और स्टील पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ये मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में, और ये हैव हैज के सेंटेंस में यूज होता है। नॉट प्लस हैव हैज के बाद आएगा V3, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। याद रखना, एडवर्ब में चेंजेस होंगे और जब कंजंक्शन यूज होगा स्टील और इट एज अ कंजंक्शन तब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 1, जया हैज नॉट रिटर्न माय मनी स्टील। बताइए एरर कहाँ पे है? जया हैज नॉट रिटर्न माय मनी स्टील, हैज नॉट है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो यहाँ पे क्या चाहिए? 8 चाहिए। यहाँ पे हैज नॉट V3 राइट है, मीन्स यहाँ पे एरर नहीं है, एरर है ये पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, हर फादर 8 लाइव्स इन बक्सर, हर फादर 8 लिव्स इन बक्सर, क्या आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस है अभी भी है तो यहाँ पे आएगा स्टील। समझा इतना? अब टाइप नंबर 8 देखते हैं, जो आखिरी टाइप है एडवर्ब का। टाइप नंबर 8 में हार्ड और हार्डली क्या होता है डिफरेंस देखेंगे। हार्ड तो पता ही आपको, मीन्स टफ, कठिन। हार्ड एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है और एडवर्ब भी यूज होता है। बोलते हैं हार्ड वर्क तो वहां पे वो एडजेक्टिव हुआ, हार्डली एडवर्ब यूज होता है और इसका मीनिंग निगेटिव रहता है, निगेटिव मीनिंग में यूज होता है हार्डली, बहुत कम बार।
बोलते हैं हार्डली, एक दो बार मैं वहां पे गई, हार्डली इतने से काम मैंने किए, ऐसे बोलते हैं। इसमें नेगेटिव मीनिंग है हार्डली, हार्डली वॉक, ऑलवेज ड्रिंक्स, सक्सेस इन अवर लाइफ, इन अवर लाइफ। बताइए क्या है हार्डली वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस इन अवर लाइफ, राइट है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए? हार्ड एडजेक्टिव है, एज अ हार्ड एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस इन अवर लाइफ। एक क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। अमित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज, अमित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। बताइए निगेटिव सेंटेंस है, अमित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, राइट है क्या? अगर आप सेंटेंस अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हमेशा मीन्स आप इसको राइट ही करोगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन रॉन्ग है। अमित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स हार्डली, यहाँ पे चाहिए हार्डली, एरर है ये पार्ट में, थर्ड पार्ट में। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है और अमित इसलिए पास नहीं हुआ, इसलिए सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत कम मेहनत करता था। तो समझा? थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।